सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ जिंदगी की तीन सबसे बड़ी सीख। सो गाइस, आज की वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर एंड तक देख लेना, क्योंकि आप लोगों को हो सकता है ये जो तीन बातें मैं आपको तीन सीख जो आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, ये बात आप लोगों को नहीं पता होगी। अगर पता भी हो तो आप लोग मेरे को जज बज के, मतलब आप इस वीडियो को देख के बताना कि जो भी आप लोग अपने दिमाग में सोच रहे थे, क्या उनमें से कोई भी एक सीख आपकी थी। अगर नहीं थी तो आप लोग कमेंट करिए, और साथ ही साथ आप लोग बताइए कि कौन सी सीख आप लोगों को सबसे ज्यादा अच्छी लगी। सो चले गए, आज की इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर ही शुरू करते हैं। सो गाइस, ये कहानी है एक ऐसे गरीब किसान की जो कि अपनी मौत की कगार पर खड़ा होता है, और वहाँ पर वो सोचता है कि मैंने अभी मेरे बच्चों को काफी कुछ मुझे सिखाना है, और साथ ही साथ वो यहाँ पर एक डिसीजन लेता है कि मैं अपने तीनों बच्चों को यहाँ पर जिंदगी के तीन ऐसे बड़े सबक देने वाला हूँ, तीन ऐसी सीख जो कि मुझे अपने बच्चों को जो है सिखानी ही चाहिए। तो ऐसा बोल के वो किसान जो होता है अपने तीनों बेटों को बुला लेता है, और वहाँ पर वो बोलता है कि बच्चों, में तुम लोगों को यहाँ पर एक चीज मांगना चाहता हूँ, मेरी एक आखिरी इच्छा है, क्या तुम लोग वो इच्छा पूरी करोगे। तो उनमें से एक बेटा बोलता है कि हाँ पिताजी, आप बताइए, हम आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तो ऐसा बोलते हुए जो किसान होता है वो बोलता है कि बच्चों, मेरी एक आखिरी इच्छा है, और वो आखिरी इच्छा यह है कि मैं जानना चाहता हूँ कि नाशपाती का पेड़ कैसा होता है। मैंने आज तक नाशपाती के पेड़ और नाशपाती का फल को कभी भी नहीं देखा है, तो तुम मुझे बताओ कि नाशपाती का पेड़ कैसा होता है, और मैं जैसे बोलूँ तब तब तुम जाना, अभी मत जाना, मैं जैसे बोलूँ तब तब तुम चल जाना। तो ऐसा बोल के वो बच्चे बोलते हैं कि ठीक है पिताजी, आप तब बोलेंगे तभी हम लोग नाशपाती का पेड़ देखने जाएंगे। तो फिर किसान जो होता है वो अपने पहले बेटे को भेजता है, और पहला बेटा आके वापस उसके पिताजी को जैसे बताने वाला होता है, तो किसान जो होता है वो वहाँ पर बोलता है कि नहीं, तुम अभी मुझे कुछ मत बताओ, जैसे ही तुम तीनों जो एक साथ मुझे बताना और सबकी बात मैं ध्यान से सुनूंगा अभी नाशपाती का पेड़ कैसा होता है। तो ऐसा बोलने के बाद दूसरा बेटा चल जाता है कुछ महीनों बाद, और फिर ऐसे में 3-4 महीने बाद जो है तीसरा बेटा चल जाता है। तो एक दिन आता है जिस दिन जो है किसान अपने बेटे को बुलाता है, और वहां पे पूछता है कि बताओ, अब मुझे बताओ कि नाशपति का पेड़ कैसा होता है। तो पहला बेटा होता है वो बोलता है कि नाशपति का पेड़ जो होता है उसके अंदर काफी ज्यादा हरा भरा पत्ते होते हैं, और साथ साथ उसके अंदर काफी नाशपति फल जो होते हैं वो भी होते हैं, और वो पतला सा पौधा होता है। तो बीच में दूसरा बेटा जो होता है वो वहां पर टोकता हुआ उसे बोलता है कि नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा वो पेड़ होता ही नहीं, मैंने खुद ने देखा, ऐसा नहीं होता है। पिताजी से वो बोलता है कि पिताजी, नाशपति का जो पेड़ होता है वो बिल्कुल सूखा सा पौधा होता है, उसमें ज्यादा फल नहीं होते, कुछ इसी टाइप का पेड़ वो होता है। तो वहाँ पे जो तीसरा बेटा होता है वो बोलता है कि नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा भी नहीं होता है, नाशपति का जो पेड़ होता है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है, काफी हरे भरा पेड़ होता है, बट उसके अंदर जो है फल जो होते हैं वो इक्के दुक्के होते हैं, मतलब ज्यादा फल उसके अंदर नहीं होते। और फिर ऐसा बोलने के बाद जो है वो तीनों बेटों में बहस होने लग जाती है कि नहीं, ऐसा फल होता है, ऐसे कम ज्यादा होते हैं उसमें फल, इतना हरा भरा होता है, इतना नहीं होता है, ऐसे वो जो है वहां पर अपनी व्यू पॉइंट देना शुरू कर देते हैं। फिर वहां पे जो पिताजी होते हैं, मतलब जो किसान होता है, वो बोलता है बस अब रुको, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हुआ क्या, कि जैसे कि तुम्हें पता होगा कि मैंने पहले बेटे को जो है कुछ महीनों बाद भेजा, फिर उसी के बाद से मैंने 3-4 महीने बाद दूसरे बेटे को, फिर तीसरे बेटे को, तो ऐसा कर करके जो है मैंने तुम्हें कुछ महीनों के बाद भेजा, और इसके अंदर क्या हुआ, जो नाशपाती का पेड़ था वो अपने आप को चेंज करता रहा, क्योंकि जैसे तुम्हें पता होगा सीजन वाइज जो है पेड़ अपने आप को विकसित करता है, यानी कि जो है चेंज होता रहता है। तो ऐसा बोलने के बाद वो तीनों बच्चों को जो है वहां पर वो बात समझ में आ जाती है। और फिर वो किसान जो होता है वो बोलता है कि बच्चों, अब मैं तुम्हें यहाँ पर जो है जिंदगी की तीन सीख देना चाहता हूँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तो पहली सीख ये है कि किसी भी चीज को बिना ऑब्जर्व किए तुम लोगों को जो है कभी भी जजमेंट पे नहीं पहुंचना है, कभी भी रिजल्ट नहीं निकालना है। मान लो कि तुम्हें किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है, लेकिन तुमने जो उसके बारे में जजमेंट कर दिया, उसके बारे में बता दिया, तो ये बात तुम लोगों की गलत हो सकती है, जिससे कि हो सकता है सामने वाले का नुकसान हो जाए। तो बिना जजमेंट किए, बिना ऑब्जर्व किए किसी चीज को तुम लोग जज को नहीं करना चाहिए। जैसे कि तुम लोगों ने देखा कि अलग अलग टाइप के मौसम में तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया, बात तो तुम तीनों की सही थी, लेकिन तुम्हें जो है पूरी तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जैसे कि पहले बच्चे ने बोला कि काफी हरा भरा होता है, तो वो क्या पूरे टाइम पे हरा भरा थोड़ी, तो तुम लोगों को पूरी जानकारी होती तो तुम लोग वहां पे पूरी जानकारी दे पाते। तो ये थी पहली सीख।
अब दूसरी सीख ये होती है कि जैसे कि तुम लोगों ने देखा कि यहाँ पर पेड़ के अनुसार मतलब जो पेड़ था वो काफी टाइम के अंदर कुछ कुछ महीने के अंदर जो है अपना रूप बदल रहा था। तो इसी चीज में तुम लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि तुम लोगों का भी वक्त हमेशा बदलता है। ऐसा नहीं है कि किसी दिन हो सकता है तुम्हारे पास पैसा होगा, किसी दिन नहीं होगा, और किसी दिन तुम्हारे पास कोई चीज होगी, किसी दिन नहीं होगी। जैसे जैसे पेड़ अपने आप को बदल रहा था वैसे वैसे तुम भी बदलोगे और समय भी तुम्हारे साथ जो है बदलता जाएगा और तुम लोगों को भी जो है समय के साथ बदलना सीखना होगा। तो ये थी दूसरी सीख। अब तीसरी सीख मैं तुम लोगों को देना चाहूंगा कि जैसे कि तुम लोगों को पता होगा कि जो तुम तीनों बोल रहे थे कि पेड़ नाशपति का पेड़ ऐसा होता है वैसा होता है, बट ये बात जो है मैं तुम्हारी मानता हूँ, तुम तीनों ही बोलने में तो सही बोल रहे थे, लेकिन तुम लोगों को मैं बता दूं अगर कोई चौथा इंसान जो है तुम्हें कुछ बताए, कोई चीज तुम लोगों को समझाए, तो तुम लोगों को ये बात जो है समझनी चाहिए कि हम जो है यहाँ पर कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। होने में तो तुम लोग भी सही थे, बट हो सकता है सामने वाला तुम्हें कुछ और ज्यादा नॉलेज दे दे उस चीज के बारे में, तो सामने वाले की बात तुम लोग हमेशा सुनना। सो ये गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताया कि तीन दुनिया की सबसे बड़ी सीख जो कि आप लोगों को भी अपने अंदर उतारनी चाहिए, और हो सकता है इन सीख के बाद आप लोग जो थोड़ा थोड़ा चेंजेस अपने अंदर देखने पाओ। और अगर आप लोगों को फाइनली ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि तीन सीख मैंने आपको दी, इन तीनों में सबसे अच्छी सीख आपको कौन सी लगी, तो कमेंट आप लोग बता दीजिएगा। और साथ ही साथ आपके तमाम दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके व्हाट्सएप में यहाँ पर जो भी फ्रेंड्स वगैरह उनके अंदर। सो गाइस आज की छोटी सी वीडियो बस इतना ही, अब मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।